नमस्कार, आज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ विधि। दर्शकों, नवरात्रि के दिन करीब आ रहे हैं और नवरात्रि में किस तरह हमें माँ की आराधना करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री जी, नवरात्रि क्या है? वास्तव में प्रचलन में तो नवरात्रि शब्द ही हम कहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि नहीं है, नवरात्र है। रक्त का मतलब होता अनुरक्त। 9 दिन तक भगवती की आराधना में अनुरक्त रहने का समय होने के कारण इस पर्व को नवरात्र पर्व कहा जाता है। रात्रि रात्रि का सूचक होता है, लेकिन वास्तव में नवरात्र है। 9 दिनों तक हम भगवती की आराधना में अनुरक्त रहते हैं, इसलिए इस पर्व का ही नाम नवरात्र पर्व है। इन 9 दिनों में माँ की विशेष आराधना बताई गई है। मूलतः वर्ष में 4 नवरात्र पर्व होते हैं। ये शारदीय नवरात्र कहलाता है, फिर इसके बाद वसंती नवरात्र होता है, माघी नवरात्र का विधान है, उधर आषाढ़ी नवरात्र का विधान है, 4 नवरात्र। लेकिन विशेष रूप से प्रचलन में 2 नवरात्र प्रचलित हैं, एक ये अश्विन का शारदीय नवरात्र, चैत्र की वसंती नवरात्र। 2 का प्रचलन विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में और समाज में भी देखा जाता है। वास्तव में पूरी सृष्टि की जो आधार शक्ति है, व्यक्तिगत हम देख लेंगे तो में कितनी शक्ति है, आधार शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। और हमारे यहाँ इन 4 नवरात्रों का अभिप्राय होता है कि सृष्टि को आधार प्रदान वाले करने वाली शक्ति की आराधना। हमारी भी जो मूल चेतना है, हम जिस चेतना से अनुप्राणित हैं, समस्त सृष्टि के प्राणी, वो सब शक्ति से ही अनुप्राणित हैं।